Hi, this is Anju. Welcome to my YouTube channel once again. Today we are going to start lesson 1 from history, class 10, the rise of nationalism in Europe. So dear student, we are going to start now. So dear student, we will start chapter 10, history, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बिकॉज दिस इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो, नेशनलिज्म इन यूरोप. तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले, वी विल सी बेसिक आउटलाइन ऑफ द चैप्टर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि कैसे एमर्ज हुआ. इतने सारे जो नेशन, जो वहाँ पर जो कंट्री थे, यूरोपियन कंट्री, जिसमें आप देख सकते हो फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन. इसमें आप देख सकते हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन. तो ये जो कंट्री थे, ये एमर्ज कैसे हुए, लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई. एज वी ऑल नो दैट यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और इनमें से जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे शुरू हुई, तो ये हम जानेंगे डियर स्टूडेंट. एज वी ऑल नो कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 को, और जब हमारा कंट्री फ्री हुआ था उसके पीछे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज और बहुत सारे स्ट्रगल हुए थे, एंड बहुत सारी यू नो नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई थी. बहुत स्ट्रगल के बाद तब जाके कहीं हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ या फ्री हुआ. तो नाउ यू शुड नो व्हाट इज़ नेशनलिज्म. इमर्ज ऑफ नेशन स्टेट in a place of multi-dynastic empire. So this is you know एक ऐसा राष्ट्र, ये एक राष्ट्रवाद है, इसको मैं हिंदी में बताऊँगी, जो लोगों के अंदर तब आता है जबकि एक कंट्री में रहते हुए एक कल्चर को फॉलो करते हैं, या फिर उनके अंदर देशभक्ति की फीलिंग आती है अपनी कंट्री के लिए. तो ऐसे कंडीशंस में, इनमें हम जानेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे पहले, ये मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे. आप देखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट है एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर. तो पहले ये मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करते थे. अब नेशन स्टेट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशन स्टेट. अब नेशन स्टेट्स क्या है, व्हाट आर नेशन स्टेट. So a nation is culmination of a long past sacrifice, struggle and devotion. It means ऐसे areas या ऐसे region जो independent हैं या free हैं. पहले ये monarchy form में थे, different जो territories हुआ करती थी, और उनका जो king या monarch जो था वो उनके under hold करके उनको रखता था. और अब यूरोप में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यू नो ब्रिटेन है, ये सब मोनार्क कंट्री थे उस टाइम पर. तो जैसे फ्रांस वाज रूल्ड बाय लुईस 16, ठीक है. तो फ्रांस जो था, अभी जितने भी कंट्री अभी हमने बात करी थी, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन, तो सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में बता देते हैं, क्योंकि फ्रांस का रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था. तो फ्रांस में क्या हुआ था कि सबसे पहले फ्रांस क्या था, रूल बाय लुईस 16. अब लुईस 16 कौन था, वहाँ का राजा था, ई वॉज मोनार्क. अब नेशन एक्चुअली क्या है, नेशन को यूनाइट करने के लिए बहुत सारी पावर लगती है, सेक्रीफाइसेस होते हैं. आपने देखा होगा कि हमारा ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म के बारे में, स्पेशली यूरोप के, द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर देर इज़ अ पिक्चर. अब वो पिक्चर जो हम बात करते हैं, ये जो पिक्चर आप देखेंगे इस चैप्टर में, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो है, द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर दर इज़ अ पिक्चर. अब वो पिक्चर किसने बनाई है, हम उसके बारे में बात करेंगे. ये पिक्चर जो है
फ्रांस के एक आर्टिस्ट जिनका नाम फेडरिक सोरियो है, उन्होंने बनाई है। ठीक है, हम फिर से आप देखिए, पेंटिंग ऑफ फेडरिक सोरियो इन 1848, तो ये जो है इन्होंने बनाई है। एंड इसके जो इसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसकी 4 सीरीज़ हैं, ये 4 सीरीज़ में बनाई गई। अब उस टाइम पे जैसे बहुत सारे कैमराज या जो आजकल हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उस टाइम पे ये सब तो था नहीं। तो जो आर्टिस्ट थे, पेंटिंग तो तभी भी होती थी, तो जो आर्टिस्ट थे फेडरिक सोरियो, उन्होंने 4 सीरीज़ प्रिंट की थी या 4 सीरीज़ निकाली थी। तो जो सबसे पहली सीरीज़ थी, वो थी द ड्रीम। अभी आप देखेंगे, सबसे पहली जो सीरीज़ थी वो थी हमारी द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये उनकी पहली पेंटिंग का नाम है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये उनकी पहली पेंटिंग का नाम है। और इसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने जो बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है, और नेशनलिज्म की फीलिंग उन्होंने दिखाई है इसमें। अब इस पेंटिंग में आप फिर से आप उस पेंटिंग को देखेंगे, ये देखिए, इसमें आप देख सकते हो कि ये एक लिबर्टी इसमें दिखाई गई है। ये उनकी इमेजिनेशन है, यानी कि वो इमेजिन कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए, तो इमेजिन बेस्ड पिक्चर है उनकी ये। इन दिस पिक्चर यू विल सी डिफरेंट नेशन, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर के साथ, एंड डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स विद डिफरेंट नेशनल फ्लैग, दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप देख सकते हो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ वो मार्च कर रहे हैं। ठीक है, एंड एज वी ऑल नो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रीडम को दर्शाता है, या फ्री ये जो हमारी इंडिपेंडेंस को बताता है। और ये सारे लोग जो आप देख रहे हो इसमें अलग अलग फ्लैग लिए, अलग अलग कॉस्ट्यूम के साथ, ये सब जो हैं उसको होमेज कर रहे हैं। यहाँ पर होमेज का मतलब होता है रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको। और ऑन द अदर साइड आप देखोगे कि फीमेल फिगर भी दिखाई दे रही है इसमें, फीमेल फिगर भी हैं, जो आप देखोगे कि उसे उसमें दिखाया गया है मोनार्क का एंड आ गया है। इसमें बता रहे हैं लोग कि अब मोनार्क का एंड आ चुका है, और कैसे लिबर्टी मिलेगी। एंड नाउ आप जो है इस तरीके से ये हमारा इंट्रोडक्टरी आपको, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ये मैंने थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि सोशल साइंस जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में बच्चे लेते हैं, तो शायद आपको ये समझ में आया होगा।